अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 11 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इफ़ की सारी सिंटेक्सेस हमने डिस्कस कर ली थी, आज हम स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट देखें, इज़ यूज टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ मेनी ऑप्शंस द स्पेसिफिकेशन एंड सेवरल अल्टरनेटिव्स। A statement comprises a case value and a set of statement. Switch statement जो है ये भी एक conditional statement है। तो इसमें थोड़ा सा syntax इसका different है if की जितने हमने syntaxes देखी उनसे, तो कुछ differences और भी हैं, वो हम साथ साथ देखेंगे। तो इसमें एक expression होता है, दिया जाता है, और फिर उसके बहुत सारे alternative होते हैं। तो कोई एक अल्टरनेटिव चॉइस किया जाता है, यानी वो उसकी वैल्यू ट्रू होती है। तो देखें, ये सिंटेक्स में इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आपको। आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच और उसके बाद एक्सप्रेशन, देन फिर केस वैल्यू वन कॉलन, इसी तरह स्टेटमेंट वन ब्रेक, और फिर केस वैल्यू टू स्टेटमेंट टू ब्रेक एंड सो ऑन, इसी तरह अप टू वैल्यू एन एज। स्टेटमेंट एन और ब्रेक और फिर नेक्स्ट डिफॉल्ट और उसके बाद स्टेटमेंट। असल में इधर जो स्विच के फौरी तौर पे इसके बाद एक्सप्रेशन दिया जाता है, तो एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है भाई यहाँ पे एक कोई सिंगल वेरिएबल भी आ सकता है और यहाँ पे कोई फार्मूला भी आ सकता है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट जब करें तो मतलब वो एक सिंगल वैल्यू के तौर पे ना कैलकुलेट हो रहा हो। तो इसके यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगी उसको फिर एक से ज़्यादा केसेस के साथ मैच किया जाएगा। तो अगर वो किसी केस वैल्यू के साथ वो वाली वैल्यू मैच हो जाती है तो फिर वो वाली स्टेटमेंट्स की जाएंगी, यानी उस केस के बाद वाली स्टेटमेंट की जाएंगी, और देन फिर आखिर में हम ब्रेक की स्टेटमेंट लगाएंगे। तो ब्रेक की स्टेटमेंट का यहाँ पे लगाया जाना वो कंपलसरी है। अगर यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट आप नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि यहाँ से फिर वो आगे अगले केस को भी टेस्ट करके और उसके नतीजे में जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको भी एग्जीक्यूट कर लेगा, हालांकि उनकी कंडीशन जो है वो फॉल्स ही क्यों ना हो रही हो, तो वो नीचे यानी हर केस के गो थ्रू होता चला जाता है और उसका रिजल्ट ये होता है भाई एंड वाला जो केस है उसकी वैल्यू को फिर फाइनल लिया जाता है, और ये एक लॉजिकल एरर है। तो इस वजह से आपने ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे लाजमी लिखनी है। तो बहरहाल इसमें ऐसा है कि अगर पहली केस वैल्यू मैच हो जाती है तो इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक की स्टेटमेंट से यहाँ से वो बाहर आ जाता है, मतलब बिल्कुल ही इसके जो ब्रेसेस हैं उसके फौरन बाद आ जाएगा, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट की जाएगी, बाकी सारे केसेस स्किप कर लिए जाएंगे। तो सपोज करें कि कोई भी केस वैल्यू अगर ट्रू नहीं होती तो फिर वो क्या करेगा, फिर डिफॉल्ट के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, जैसे वो एक्सटेंडेड इफ स्टेटमेंट में होता था भाई, उसमें ऊपर बहुत सारी इफ़ की कंडीशन होती थी और आखिर में जाके हम जस्ट एल्स लिख दिया करते थे कि ऊपर वाली अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएं तो फिर उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो लास्ट वाली एल्स के बाद हम कोई कंडीशन नहीं दिया करते थे, तो इधर भी ऐसी है कि डिफॉल्ट और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होंगी वो उस वक्त एग्जीक्यूट होंगी कि ऊपर वाले सारे केसेस जो हैं वो मैच ना करें। तो इसके अलावा कुछ इससे रिलेटेड और अहम बातें भी हैं, वो क्या कि यहाँ पे जो है जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो या तो कैरेक्टर होनी चाहिए या फिर इंटीजर होनी चाहिए। तो अगर सिंगल कोई वेरिएबल यहाँ पे दे रहे हैं तो वो वेरिएबल जो है वो या तो कैरेक्टर हो या फिर इंटीजर हो, और अगर एक्सप्रेशन या कोई इक्वेशन या फार्मूला भी इधर दे रहे हैं तो वो भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, तो तब ये सही होगा।
तो इसके अलावा ये नीचे जो केस के बाद हम वैल्यूज लिखते हैं ये भी इंटीजर या कैरेक्टर होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखें, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग मेन्यू ऑन द स्क्रीन। एक प्रोग्राम हमें लिखने को कहा जा रहा है जिसमें ये एक मेन्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जिसमें यूज़र अगर वन एंटर करेगा तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा, और अगर यूज़र टू एंटर करेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट होगा। तो ये नीचे इसके डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो जो भी नंबर एंटर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट होगा और प्रिंट होगा, और अगर यूज़र इन नंबर्स के अलावा कोई एंटर करता है तो फिर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, रॉन्ग चॉइस। अभी देखें प्रोग्राम को, इसमें देखें पहले हमने एक वेरिएबल लिया है चॉइस, ये यूज़र चॉइस को स्टोर कराने के लिए है। तो उसके बाद फ्लोट रेडियस पी बी ए सी और ए टी। तो सारे वेरिएबल क्योंकि स्टार्ट में ही हमने डिक्लेयर करने हैं, तो इधर हमने डिक्लेयर कर दिए हैं दोनों केसेस में कि अगर यूज़र एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहते हैं तो फिर रेडियस की वैल्यू एंटर करनी होगी, और इसी तरह अगर वो ट्रायंगल कैलकुलेट करना चाहता है तो फिर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज देनी होंगी, और इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल के लिए ए सी हमने डिक्लेयर किया और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ए टी। अभी हम भी देखें कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स की मदद से, दो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स हैं, तो हमने ये मेन्यू डिस्प्ले करा लिया कि एरिया ऑफ ए सर्कल और उसके बाद एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, और उसके बैक स्लैश एन हमने दिए हैं ताकि कर्सर हर लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। प्रिंट एफ इंटरव्यू चॉइस, यहाँ पे चॉइस ली जा रही है यूज़र से और स्कैन एफ के ज़रिए वो चॉइस वन या टू, वो एक वेरिएबल चॉइस है उसके अंदर स्टोर कराई जा रही। अभी देखिए यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की मदद से चॉइस की वैल्यू चेक की जाएगी, तो अगर वो वन है तो फिर क्या होगा, प्रिंट एफ इंटर रेडियस, यूज़र से रेडियस की वैल्यू ली जाएगी और स्कैन एफ की मदद से वैल्यू ली जाएगी, और यहाँ पे ए सी कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका फार्मूला आपको पता है होता है कि पाई और स्केयर, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट करेंगे 3.14 इंटू आर इंटू आर, और यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की मदद से हम इसी एरिया को डिस्प्ले करा रहे हैं। उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट हमने दी है, और नीचे हमने फिर केस टू की स्टेटमेंट्स लिखी हैं। तो अगर कंप्यूटर क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा इस पूरे केस वन को, तो वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे वो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज मांगेगा, स्कैन एफ की मदद से परसेंटेज एफ और एंड पी और एंड बी की मदद से हम इन दोनों की वैल्यूज दे रहे हैं। उसके बाद इस फार्मूले की मदद से ए टी इज इक्वल टू पी इंटू बी ओवर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। उसके बाद इसी तरह ब्रेक, और अगर यूज़र इनमें से कोई एक चॉइस भी नहीं देता, यानी ना वो वन इंटर करता है ना वो टू इंटर करता है, मिसाल तौर पे 3, 4 या कोई नेगेटिव नंबर या ज़ीरो या कुछ और इंटर कर देता है, तो वो फिर क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट के बाद ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट एफ रॉन्ग चॉइस, ये डिस्प्ले हो जाएगी, और उसके बाद गेट चार थोड़ी देर के लिए आउट स्क्रीन पे कर्सर वहाँ पे रुकेगा। अच्छा, इसमें ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए भाई, ये डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑप्शनल है, तो अगर आप डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं भी लिखते तो उस केस में फिर क्या होगा भाई, अगर ऊपर वाले सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं, मैच इनकी वैल्यूज नहीं करती, तो वो कर्सर जो है वो इसके बाद वाली जो भी स्टेटमेंट स्विच की स्टेटमेंट से बाहर निकल के वो देखेगा कि जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट कर देगा और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। इसमें भी कुछ थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो बहरहाल ये भी स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा है। देखें, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट
to enter fee and the grade of a student and calculate and print its fee concession according to following condition. A program likhne ko kaha ja raha hai switch statement ko use karte hue jisme hum fee aur grade ki values enter kar rahe hain. To condition isme kya hai, agar ग्रेड ए हो तो 75% कंसेशन कैलकुलेट हमने करनी है, और अगर बी हो तो 50%, और अदरवाइज अगर ए और बी में से ना हो कोई सी डी वगैरह हो कंसेशन नहीं है. तो ये देखें इसमें इनपुट हमारी क्या है, इसमें ग्रेड हमने देना है और फी एंटर करनी है और कंसेशन हमने कैलकुलेट करानी है. तो ये इसमें अकॉर्डिंगली फिर एक ग्रेड के लिए, फी के लिए और एक कंसेशन के लिए. तो ये आपको पता है भाई जितनी वैल्यूज़ इनपुट में होती हैं और जितनी कैलकुलेट होनी होती हैं तो इतने वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं. अब यहाँ पे देखें प्रिंट एफ इंटर ग्रेड एंड फी, ग्रेड और फी की वैल्यूज़ हम इंटर कर रहे हैं, और स्कैन एफ परसेंटेज सी और परसेंटेज एफ हमने ग्रेड और फी की वैल्यूज़ ले ली यूज़र से. अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं भी स्विच ग्रेड, ग्रेड को चेक करा रहे हैं. तो इस प्रोग्राम के अंदर कई डिफरेंसेस हैं वो पिछली एग्जांपल के मुकाबले में. एक तो ये इसमें डिफरेंस आ गया भाई जो स्विच के बाद ग्रेड को चेक किया जा रहा है तो वो एक करेक्टर वैल्यू है, वो कोई इंटेजर वैल्यू नहीं है. तो करेक्टर वैल्यू के केस में क्या किया जाता है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है. न्यूमेरिक के केस में ये ज़रूरी नहीं है, इंटीजर अगर ये वैल्यू होती तो उसमें फिर देते और आगे कॉलन. नीचे पर देखेंगे ये दो दफ़ा केस मैंने लिखा है, एक कैपिटल ए के साथ और एक स्मॉल ए के साथ. वजह उसकी ये भाई अब यूज़र जब इस प्रोग्राम को रन करेगा तो वो मे बी ए कैपिटल इंटर हो रहा है या ए स्मॉल. तो अगर आपने जस्ट इधर कैपिटल ए को चेक कराया हुआ और वो यूज़र जो है वो स्मॉल ए दे देता है तो फिर आपका ये ऑप्शन जो है ये जो केस है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उसके नज़दीक कंप्यूटर के नज़दीक कैपिटल ए और स्मॉल ए में फ़र्क है. तो इस वजह से ये दो जगह दो दफ़ा केसेस को यूज़ करने से और का सेंस बनता है. जैसे लॉजिकल ऑपरेटर और होता है तो ये उसी तरह बिहेव करता है कि यानी केस ए और केस स्मॉल ए. अभी देखें नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं. तो अगर ग्रेड ए होता है तो फिर कंसेशन कॉन इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई फी ओवर 100. हमने 75% कंसेशन कैलकुलेट और उसके बाद ब्रेक. इसी तरह केस बी अगर होता है फिर क्या होगा कि कंसेशन 50% के लिहाज से कैलकुलेट होगी और ये कंसेशन प्रिंट हो जाएगी. और अगर इनमें से कोई केस भी नहीं होता, ना ए इंटर करते हैं ना बी इंटर करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट के केस में जो प्रिंट की स्टेटमेंट है सॉरी नो कंसेशन, तो ये डिस्प्ले होगी और उसके बाद गेट जॉब. तो आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जांपल्स इस ट्राई कीजिएगा स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए. तो बुक के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं. तो इसके अलावा जो असाइनमेंट्स वगैरह दी जाती हैं उनको भी आप सीरियसली करें. ये याद रखें, पहले भी मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है कि जब तक इसकी प्रैक्टिस सही तरह नहीं होगी ना तो आपको प्रोग्राम लिखना नहीं आएगा. तो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, अगर आप थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस भी देख के कर लें तो आपको उसका तरीका कभी नहीं आएगा जब तक आप खुद से कोई क्वेश्चन नहीं करते. तो इन द सेम वे इसमें भी कितने ही प्रोग्राम आप लिख लें देख के या किसी से समझ के उसको कॉपी कर लें तो आपको नहीं वो मुकम्मल तौर पे क्लियर होगा जब तक आप खुद करने की कोशिश नहीं करेंगे. तो इसलिए प्रैक्टिस किया करें और असाइनमेंट्स जो दी जाती हैं वो सही तरह किया करें. यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स. तो स्विच और इफ स्टेटमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस है.
तो देखें, इफ स्टेटमेंट जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर हमारे पास कंडीशन या ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हों। ख़ास तौर पे नेस्टेड के केस में तो ये और भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन स्विच स्टेटमेंट के केस में ये कंडीशन स्टेटमेंट लिखनी आसान हो जाती है, कंपैरेटिवली आसान है। नंबर टू देखें, इफ स्टेटमेंट के केस में क्या होता है कि इट यूजेस एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन फॉर ईच केस। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, अगरचे ऐसी सिचुएशंस बहुत कम आती हैं, लेकिन ये चीज़ अलाउ है। मसलन कैसे कि हम इस तरह की इफ स्टेटमेंट मिसाल तौर पे लिख सकते हैं कि जिसमें फर्स्ट इफ स्टेटमेंट के अंदर तो एक मिसाल है भाई चेक किया जा रहा हो, लेकिन उसके बाद जो दूसरी इफ की स्टेटमेंट है यानी एक एक्सटेंडेड इफ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो, या नेस्टेड इफ, तो पहली इफ के अंदर हम फी की वैल्यू को चेक करा सकते हैं और दूसरी इफ के अंदर हम फाइन की वैल्यू को चेक करा सकते हैं, यानी दो अलग अलग वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस को चेक कराया जा सकता है। जबकि स्विच के अंदर इस तरह कभी नहीं होता। स्विच के अंदर क्या होगा कि स्विच के बाद जो ब्रैकेट आ रही है, जो पैरेंथेसिस हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल या एक एक्सप्रेशन इंटर किया जा सकता है। थर्ड डिफरेंस देखें, द टेस्ट कंडीशन कैन बी गिवन इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। तो एक बेसिक और मेन जो डिफरेंस है इफ और स्विच के दरमियान वो ये वाला थर्ड वाला है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इफ और स्विच के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, तो वो ये थर्ड वाला है। अगरचे ऊपर वाले डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन सबसे अहम जो डिफरेंस है वो ये है। ये क्या है कि जो टेस्ट कंडीशन है उसके अंदर आप रेंज दे सकते हैं, रेंज को चेक किया जा सकता है। मिसाल तौर पे आप ये कह सकते हैं भाई, अगर मार्क्स जो हैं वो सपोज करें कि 400 से लेकर तो 600 तक हों, यानी वो दरमियान में ना रिलेशनल ऑपरेटर्स आप यूज़ करेंगे। तो लेकिन स्विच के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। स्विच में एक फिक्स वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। स्विच में या तो 400 देंगे या फिर आप 600 देंगे, उसके दरमियान रेंज को आप कभी भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि स्विच के अंदर जो केसेस हैं तो केस के बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें देने अलाउ ही नहीं है। तो ये एक मेन डिफरेंस इफ और स्विच के दरमियान हुआ। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं, ये आपने याद रखने। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करता हूँ और हमारा चैप्टर 11 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया जी।